नमस्कार, मैं आपको आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। 7 साल 22 दिन बाद अंतर दिल्ली के बहुचर्चित निर्भया प्रकरण में दरिंदों को डेथ वारंट जारी हो गया है। 37 साल बाद एक साथ चारों को फांसी की सजा दी जाएगी। दुष्कर्म के मामले में 16 साल बाद किसी गुनहगार को फांसी होगी। जज ने डेथ वारंट जारी करते हुए कहा कि तुम्हारी मौत की तारीख तय है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रविवार को हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष, उपाध्यक्ष साकेत मून सहित 21 छात्रों के नाम FIR दर्ज की है। JNU हिंसा को लेकर अहमदाबाद में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई। इसमें नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के 10 छात्र घायल हुए हैं। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रियंका वाड्रा की सक्रियता पर टिप्पणी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि वाड्रा दूसरे प्रदेशों से गुंडे बुलाकर यूपी में गड़बड़ी फैला रही हैं। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर फ्री कश्मीर का पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने वाली युवती महक मिर्जा और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज की है। वहीं विवाद उठने पर महक ने माफी मांग ली है। अरब देशों सहित 15 से 20 देशों के राजनयिकों का प्रतिनिधिमंडल केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। यह दौरा इसी सप्ताह होगा। इसमें राजनयिकों को केंद्र शासित राज्य में सुरक्षा हालात की जानकारी दी जाएगी। सबरीमाला स्थित अयप्पा मंदिर सहित देश के विभिन्न मंदिरों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश सहित विभिन्न संवैधानिक बिंदुओं की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 9 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन किया है। हिमाचल में भारी बर्फबारी के चलते 5 नेशनल हाईवे समेत 493 सड़कें बंद हो गई हैं। मनाली में 300 से ज्यादा गाड़ियों में हजारों पर्यटक फंस गए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान के करीब यूक्रेन का एक यात्री विमान क्रैश होने की खबर है। इस बोइंग 737 विमान में क्रू मेंबर समेत 180 यात्री सवार थे और सभी की मौत हो गई है। अमेरिकी स्ट्राइक में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद बदले की कार्रवाई में ईरान ने इराक में अमेरिकी फौज के 2 ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए MSTV के साथ। नमस्कार।